हेलो फ्रेंड्स, सब आपको हम प्रैक्टिकली बताने जा रहे हैं एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एक्सेसरीज आप देख रहे होंगे यहाँ, उस पर क्लिक करेंगे। एक्सेसरीज के बाद आप यहाँ पे पेंट देख रहे हैं लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका पेज खुल जाएगा एमएस पेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एमएस पेंट खुल गया है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये टाइटल बार है, और यहाँ तीन बटन जो आप देख रहे हैं ये क्लोज होता है इससे, और ये हो गया रिस्टोर ऑन। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा। ये मिनिमाइज बटन है, ये मिनिमाइज हो जाएगा, हमारे यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा, ये देख रहे होंगे आप, ये इसको फिर से क्लिक करेंगे ये फिर से पेज खुल जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं होम और व्यू, यहाँ ये मेनू है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू को ओपन करने के लिए आप ये न्यू लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन से कोई न्यू पेज आप ले सकते हैं, ये ओपन देख रहे हैं आप। कंट्रोल प्लस ओ से कोई भी पिक्चर आप ओपन कर सकते हैं, ये देखिए, अगर आप डेस्कटॉप पे सेव है तो आप ओपन कर सकते हैं कोई भी पिक्चर, नहीं तो नहीं। इसके बाद आप सेव देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस एस से कोई भी पिक्चर आप करंट फाइल सेव कर सकते हैं। सेव एज आप कोई भी पहले से सेव किया हुआ है, या शॉर्टकट की F12 से आप सेव एज कर सकते हैं। ये प्रिंट है, आप कोई भी प्रिंटर के बाय द यूज ऑफ प्रिंटर आप कोई भी पिक्चर या कोई भी फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये तीन टूल्स आपको दिख रहा होगा, ये पेंसिल है, ये हमारा फिल कलर है, और ये टेक्स्ट है। आप पेंसिल के जरिए कोई भी ड्रा कर सकते हैं ड्राइंग को, आप देखिए हम आपको बता रहे हैं कर। ये देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा पतला है तो इसको आप अगर मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ साइज पे क्लिक करके मोटा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मोटा हो गया है, इस पर दिए कुछ के बाद आप फिल कलर लेकर भी कलर में से पिक करके कोई भी फिल कर सकते हैं इसमें कलर। ये फिल कर दिए हैं कलर हमने, उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहले आप कोई ब्लैक कलर ले लें, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। ये देखिए लिखा रहा है उस पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने हाई लिख दिया है, अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है, अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो ये क्लिक कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे कैलिब्री लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, इससे देखिए आप हमारा स्टाइल चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको चेंज अलग ढंग से इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, देखिए बोल्ड हो रहा है, इसे इटैलिक, ये इटैलिक भी हो सकता है, अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ हमारी ड्राइंग को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए किया जाता है, हमारी लिखावट को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। और आपने जैसा कि देखा पहले कि यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन दिया ही है अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए, तो आप कोई भी इसमें से कोई भी जो आपको पसंद हो आप वो लिख सकते हैं, ताकि हमारा जो लिखावट हो बहुत ही सुंदर तरीके से हो। फिर हमारे यहाँ जो कलर रहता है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रहे, कोई भी कलर अगर हो तो हम वो चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्त, हम यहाँ पे अलग अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको कोई भी, अगर आपको कोई कलर पसंद हो जैसे रेड, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर हम हो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि देखिए हमारा यही कलर आ गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हम अपनी पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे रेजर दिया हुआ है जो हमारे ऑप्शन में, ये बहुत काम का चीज़ है, कि अगर हमारा ज़रा सा भी ड्राइंग अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो ये रेजर इसीलिए दिया जाता है ताकि इसे अच्छे इरेज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम ये इरेज कर सकते हैं, हम ऑल चीज़ से इरेज कर सकते हैं, हमारी थोड़ी सी भी जो गलतियाँ इरेज कर सकते हैं। देखिए फिर हम आते हैं यहाँ, अब हम ले लेते हैं कलर पिकर। फ्रेंड्स, हम पहले एक कोई पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर लेने के लिए हम आपको बहुत ही, चलिए हम यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं बेस्ट फॉर्म से। देखिए यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले सकते हैं, हमने एक पिक्चर ले लिया, ये हमारा पिक्चर बहुत बड़ा, इसे हम बहुत छोटा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटा कर लिया, अब हम इसे, हम कोई भी कलर इसमें से यूज़ करते हैं, जैसे हम ये यूज़ कर लिया, और फिर हम, चलिए हम पहले एक शेप ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये शेप ले लिया, फिर हम कोई कलर ले लेते हैं एक इमेज पिक्चर से, जैसे हमने ये कलर ले लिया तो
तो देखिए यहाँ पे हमारा कलर वन में ये दिखा दिया है, फिर आप यहाँ से इसे फिल कर सकते हैं। देखिए हमारा ये होता है कलर पिकर का, किसी भी हम इमेज से वो कलर उठाकर हम उसे किसी और चीज में पिक कर सकते हैं। मैग्नीफायर का काम है कि कोई भी इमेज को है ना वो जूम इन जूम आउट करके दिखा सकता है। अगर आपको कोई भी नजदीकी चीज अगर आपको देखना हो तो वो मैग्नीफायर का काम है, जो आपको दिखा सकता है कि जूम इन और जूम आउट करके दिखा सकता है। राइट क्लिक करके हम देखिए वापस ऐसे हो गया, फिर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर हमारा जूम इन और बड़ा होते जाएगा और दिखा देगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिलीट करना है एक बार में तो आप सिलेक्शन करके भी ये डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे सिलेक्शन करके हम अभी डिलीट कर देंगे इसको, देख रहे होंगे फ्रेंड्स सिलेक्ट हो गया है। इसको आप डिलीट करने के लिए ये देखिए डिलीट हो गया है एक बार में। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे आप पे ब्रशेस हैं, यहाँ बहुत तरह के ब्रशेस हैं आप जिसके द्वारा आप बहुत सारे ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए ब्रशेस है, इसे आप कोई भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ले लिया एक ब्रश, उसके बाद अगर आप इसको चाहते हैं अगर इसका साइज चेंज करना तो यहाँ से आप क्लिक करके ये साइज ले सकते हैं। ये देखिए ब्रशेस कितने तरह के हैं, हम आपको डिज़ाइन बनाकर दिखा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, आप ध्यान दें। ये देखिए ये अलग अलग डिज़ाइन बनते जा रहे हैं अलग अलग ब्रशेस से। ये देखिए अगर आप चाहते हैं वाटर कलर करना तो वाटर कलर ब्रशेस भी हैं यहाँ पे जिसके द्वारा आप वाटर कलर कर सकते हैं। ये देखिए ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं फ्रेंड्स आप ब्रशेस से कितने अच्छे 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 डिज़ाइन बन रहे हैं। ये देखिए आप इसके द्वारा आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन ड्राइंग कर सकते हैं आराम से अपने इस पर सिस्टम। ये देख रहे होंगे आप अलग अलग तरह के यहाँ पे ब्रशेज यूज़ कर लिया है हमने। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत तरह के शेप हैं जिससे आप कोई भी शेप ले सकते हैं। अगर हमने ये शेप ले लिया, अब ये देखें आप ड्रा कर दिया हमने, अगर आप चाहते हैं इसको ये शेप लेना, ये शेप ले लिया हमने। अगर आपको ये लग रहा है कि हमने शेप ये गलत बना दिया है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। ये देखिए डिलीट हो गया, अगर आप इसको फिर से वापस लाना चाहते हैं कंट्रोल प्लस कंट्रोल वाई करेंगे वही शेप वापस लाने के लिए। ये देखिए शेप हमारा आ गया है वापस। कोई देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कोई आप शेप ले लें, यहाँ से हमने स्टार ले लिया, ठीक है इसको हमने यहाँ बनाया और यहाँ आप देख रहे होंगे आउटलाइन, यहाँ से आउटलाइन देखेंगे आप, देखिए आउटलाइन चेंज हो रहा है। ये देखिए सॉलिड कलर क्रेयॉन मार्कर्स ये ऑयल नेचुरल पेंसिल वाटर कलर लग रहा है ना ये वाटर कलर की तरह। ये फील जो देख रहे हैं आप इससे आप ये शेप के अंदर फील कर सकते हैं कलर को। ये कोई भी कलर आप चेंज यहाँ से लेकर सिलेक्ट कर आप यहाँ से इसके द्वारा इसमें कलर डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत तरह के कलर हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप बहुत तरह के कलर हैं। अगर आप लग रहा होगा इसमें कोई कलर की कमी है या कोई कलर आपको लग रहा होगा इसमें नहीं है, आपको वो कलर चाहिए आप एडिट कलर पर क्लिक करके आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं। इसमें क्लिक किए ऐड टू कस्टम आप देख रहे होंगे यहाँ ओके करके यहाँ ओके कर दी यहाँ कलर आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप कट और कॉपी का ऑप्शन भी मिलेगा आपको यहाँ पे। पहले हम कोई शेप ले लें, आपको हम बताने जा रहे हैं कट और कॉपी कैसे होगा। कोई शेप पहले हम लोग ले लें, ये हमने शेप ले लिया, ये शेप ले लिया हमने। अगर इसमें चाहते हैं कलर भरना तो आप कलर कोई भी भर सकते हैं इसमें, ये हमने कलर फिल कर दिया। उसके बाद हम इसको सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्ट कर दिया हमने, इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ कट कर सकते हैं और हम इसे राइट क्लिक करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड पेस्ट हो गया। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, ये सिलेक्शन तो हो गया हमारा, इसे कॉपी कर दें, इसे पहले हम हटा दें यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये देखिए जितना आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे पेस्ट होता जाएगा, ये देखिए होता जा रहा है फ्रेंड्स, जितना कॉपी आपको चाहिए ये पेस्ट होता जाएगा आपका। ये देख रहे होंगे आप पेस्ट होता जा रहा है फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे ये क्रॉप और साइज और रोटेट का ऑप्शन, ये हमने नहीं बताया ये आपको बताने जा रहे हैं हम। क्रॉप का ऑप्शन सबसे पहले हम कोई पिक्चर ले क्रॉप करने के लिए, कोई पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया, पिक्चर हमने ले लिया इसको पहले हम फ्रेंड्स अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं यहाँ क्रॉप में क्लिक करेंगे और ये हमारा क्रॉप हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स क्रॉप हो गया। रिसाइज अगर आप पिक्चर को करना चाहते हैं रिसाइज पे क्लिक करके ये देख रहे होंगे आप, ये हॉरिजॉन्टल अगर करना चाहते हैं आप तो कोई भी नंबर इसमें
डाल दें। और वर्टिकल अगर चाहते हैं तो वर्टिकल में क्लिक करने के लिए आप कोई भी नंबर इसमें डाल दें। ये देखिए हमारा पिक्चर कैसे शेप में आ गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज हो गया। रोटेट अगर करना चाहते हैं आप ये पिक्चर को, तो रोटेट करने के लिए आप ये देखिए 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल्स या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कोई किसी पे भी आप क्लिक करके आप इसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड रोटेट हो गया। फ्रेंड्स ये रहा हमारा पेंट जिसको हमने आप में जितनी जानकारी थी हमें हमने आपको दे दी। अब यहाँ व्यू है, आप अगर व्यू में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं 100% कोई पेज को कर सकते हैं। ये रूलर हो गया, ये ग्रीन लाइन, स्टेटस बार, ये फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया। ये आप ज़्यादातर तो हम लोग होम में ही काम करते हैं, ये देखिए होम में काम सारे आते हैं।